नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अर्शी। लखनऊ समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर अशोक यादव से खास मुलाकात। लखनऊ समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर उनका भव्य स्वागत। जानकीपुरम के गुडम्बा थाने पर ढोल और नगाड़े के साथ युवा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने बताया, आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां बहुत जोर शोर के साथ चल रही हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर युवा समाज की, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको संगठित करके समाजवादी पार्टी की युवा जन सभा को बहुत आगे तक बढ़ाना है। साथ में युवाओं की भागीदारी सौरभ सिंह, सोनू आलोक सिंह चौहान, सत्यम सिंह उर्फ राजा चौहान, मोहम्मद आरिफ, रोहित अवस्थी, मोहम्मद तारिक, प्रवीण चौधरी, विकास मिश्रा, हर्ष श्रीवास्तव, मनीष जायसवाल, अजय कुमार, अमन सिंह, सनी श्रीवास्तव, अश्विनी सिंह, अब्दुल बंटी कुमार, शुभम सिंह, शशिकांत यादव। लखनऊ से राजू शर्मा की खास रिपोर्ट। हमारे साथ आज अशोक यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय युवजन सभा का सचिव बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? माननीय अखिलेश यादव द्वारा मुझे युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। उनके आधार पर मैं कार्य कर रहा हूँ। इससे 2022 में, आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सके और युवाओं को इस तरह उत्तेजित कर रहा हूँ, जैसे जोश, ऐसा जोश युवाओं में है कि हर हाल में 2022 में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। 2022 को लेकर अभी क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव को? तैयारियां हमारी पूरी चल रही हैं, लेकिन तैयारियां हमारे रुकी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। जैसे हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के घरों पर IT द्वारा छापा मारा जा रहा है, कुछ लोगों को सताया जा रहा है, तो इस तरह बहुत सारे कार्य कर रहे हैं भाजपा, लेकिन हम लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं और विजय प्राप्त करेंगे। और जैसा कि ये अभी हुआ है कि जब फोन टैपिंग वाला मामला, उस मामले को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? उस मामले के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसलिए कि वो काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं।